हेलो, टुडे वी विल स्टार्ट योगा सेशन एंड दोज यू वांट टू ज्वाइन प्लीज ज्वाइन। एवरी डे इन द मॉर्निंग 6 o'clock वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे अमामृतम्। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यातृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम दोनों पैरों का आगे पीछे, उसके बाद दोनों पैरों को रोटेट करेंगे। रिवर्स दोनों पाँवों के अंदर में अंदर के बाहर के उसके बाद फिर दोनों पाँवों को एक साथ रखेंगे और दोनों तीन ऊपर नीचे। उसके बाद एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर और अपने को नीचे करेंगे इस तरह से। दूसरे अपने को ऊपर नीचे दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई समस्या हो तो इसको कर सकते हैं। पुनः दोनों पाँव को एक साथ मोड़ करके तितली आसन। दूसरे के मोड़े में सिद्धासन, अब दोनों पाँव को ऊपर नीचे। फिर एक पाँव को आगे मोड़े में दूसरे को ऐसे
अपनी पकड़ी में ऊपर नीचे। सब सूक्ष्म व्यायाम है। स्पोर्ट को आगे करके अंकल जॉइंट को रोटेट करेंगे। उल्टा प्रेशर दे करके अंकल जॉइंट के ऊपर रोटेशन अच्छे से करेंगे। दबाव डालते ही फिर दूसरे पाँव का ऐसे मोड़ के ऊपर थाई के ऊपर रखेंगे। घुटने को ऊपर नीचे ऊपर छाती में टच करेंगे नीचे जमीन पे। फिर इसमें उसी तरह एंकल जॉइंट को रोटेट करेंगे। रिवर्स दोनों ऐसे मोड़ेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे, एक पाँव को नीचे जमीन में ऐसे ले जाएंगे, सीधा करेंगे, दूसरे ऊपर से करेंगे। फिर पुनः दोनों पाँव को हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से। फिर छोड़ देंगे। फिर हम दोनों पाँव को एक के ऊपर एक सिद्धासन बैठ करके आप दोनों हाथों का करेंगे सूक्ष्म। नीचे से ऊपर उसके बाद दूसरा एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर हल्का होता है, आसन करने में बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद दोनों हाथों को बंद के ऊपर बाहर के बाद दोनों कंधे के ऊपर एक ऊपर नीचे कंधे को ऊपर नीचे करेंगे। अब उसके बाद दोनों शोल्डर पे मूवमेंट करेंगे आगे से पीछे की ओर। फिर उल्टा हाथ दोनों हाथ को दोनों
घुटने के ऊपर रखेंगे और ऐसे सटा लेंगे। सटा करके हाथ को उठा लेंगे, दोनों हाथ सटी हुई है और ये एक बार ऊपर ऊपर नीचे ऐसे। सीधा करेंगे, अब अपने गर्दन का करेंगे, सुख हो गया, आगे पीछे करेंगे। बोलने की तरह आगे करेंगे, विराम देंगे, फिर अपने सिर को रोटेट करेंगे। फिर उल्टा विराम देंगे। अपने मुंह का एक्सरसाइज करेंगे, गाल का श्वास लेकर के अब इसके बाद दोनों आंखों को करेंगे। दोनों हाथ दोनों पाँव का सूक्ष्म व्यायाम हो गया, सिर का हो गया। अब इसके बाद करेंगे आसन। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। पाँव को मारेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और दबाएंगे छाती के ऊपर, सांस छोड़ते हुए उठेंगे। फिर दूसरे पाँव को मारेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए उठेंगे। उसी प्रकार एक बार दाहिने एक बार बाएं, पांच बार दाहिने पांच बार बाएं करेंगे। अब दोनों पाँव को एक साथ करेंगे, अब इसके बाद दूसरा करेंगे। कंधारासन, दोनों पाँव को पकड़ेंगे और कमर को उठाएंगे धीरे से ऊपर। ऐसे साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, इस तरह से दोनों पाँव को मोड़ लेंगे, मोड़ करके ऊपर उठाएंगे कमर को धीरे धीरे।
फॉर्म को सीधा कर लेंगे, फिर फॉर्म को मोड़ेंगे, फिर एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और धीरे से ऊपर। नीचे फॉर्म को सीधा इस तरह से 5 बार करेंगे। अब इसके बाद कंधा राशि के बाद मरकट राशि, दोनों हाथों को दोनों साइड में रखेंगे इस तरह से और मरकट राशि में सबसे पहले दोनों घुटने को हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएंगे और सिर को राइट हैंड की तरफ। धीरे धीरे उठेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर फिर सीधा हो जाएंगे। इसमें भी 5 बार दाहिने साइड, 5 बार बाएं साइड। थोड़ा सा पंप को गैप देखेंगे, जैसे दोनों पंप देखिए सटा हुआ, इसको थोड़ा सा गैप देंगे इस तरह से गैप दे करके और फिर उसी प्रकार कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इससे कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये मरकट आसन, अब दोनों पाँव सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद मरकट आसन के बाद हम जो आसन करेंगे उस आसन का नाम आपको बता रहे नौकासन। दोनों हाथों को आगे रखेंगे और दोनों पाँव को ऊपर रखेंगे नौकासन। श्वास को छोड़ते हुए उठे ऐसे, नौकासन भी 5 बार करेंगे। अब इसके बाद हम विश्वासन करेंगे, वह चक्रासन। दोनों पाँव को हम मोड़ेंगे, अब देखेंगे चक्रासन कैसे करते हैं। दोनों पाँव को हम मोड़ेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर उल्टा करके रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। फिर पाँव को सीधा कर लेंगे, फिर पाँव को मोड़ेंगे,
दोनों हाथों को पीछे की ओर और फिर सीधा ऊपर उठेंगे। यह चक्रासन, चक्रासन को भी कम से कम 5 बार करेंगे। अब चक्रासन के बाद हम आगे के आसन भी करेंगे, ठीक है। तो वो आसन है हमारे झुलासन, रीढ़ की मसाज होती है उससे, रीढ़ की मसाज के लिए यह झुलासन। दोनों पाँव को इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद आप पाँव से प्रेशर दे करके उठेंगे ऐसे, ये और ऊपर उठेंगे पीछे, ये दोनों पाँव पीछे जमीन में टच हो जाए ऐसे। मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि रीढ़ का मसाज होता है, रीढ़ के मसाज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अब इसके बाद दूसरा आसन करेंगे, दोनों पाँव को फिर से मोड़ेंगे और मोड़ करके कमर को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। कमर को ऊपर उठाएंगे, कमर उठा करके कमर को हिला देंगे इस तरह से, कमर उठा लिए अब कमर को हिलाएंगे। इसको हिलाने से हमारा फैट कम होता है, हमारे के लिए जो फैट ज़्यादा होती है वो कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आसन जो है वो है पद्मोत्थासन। एक पाँव को हम ऐसे मोड़ कर पकड़ेंगे दोनों हाथों से और अंगूठे को नाक में ही टच करें, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरे पाँव को सर मोले, सर मोले, सर ये मोले, सर आवाज ये। एक बार दाहिने पाँव से, एक बार बाएं पाँव से, बारी बारी से 5 बार करेंगे। यह है पद्मोत्थासन। अब उसके बाद दोनों पाँव को मोड़ करके दोनों हाथ सिर के पीछे रखते हुए और अपने फैट को कम करने के लिए हम एक व्यायाम करेंगे। सिर्फ उठना है आगे और नीचे जाना है। इसमें क्या है कि ये जो हमारा पार्ट है कमर का, यहाँ का फैट कम होता है, उसके बाद
दूसरा आसन होता है, उसमें हम करवट ले लेंगे। करवट लेने के बाद देखेंगे एक एक पाँव को हम ऊपर उठाएंगे, दूसरे साइड से एक एक पॉप ऊपर उठेंगे। आगे की लेट करके करेंगे भुजंगासन। अब इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन में देखेंगे कि दोनों पाँव जो है दोनों पाँव को मोड़ेंगे, मोड़ करके आगे पीछे से उठेंगे। अब इसके बाद वकासन करेंगे, दोनों हाथ को आगे रखेंगे, एक एक पाँव पीछे से इस तरह से। फिर दोनों पाँव को एक साथ उसके बाद मर्जरी आसन करेंगे। मर्जरी आसन में आप देखेंगे आप क्यों से झुकेंगे हम आपको बढ़ेंगे। मर्जरीआसन करने के बाद हम दोनों पाँव को पीछे रखेंगे, हाथ को आगे रखेंगे और घुटने को सीधा रखेंगे। उसके बाद आगे आकर के लिए घुटना ऊपर रहेगा, सिर ऊपर रखते
अब उसके बाद नीचे जाएंगे ऐसे, अब दोनों पाँव को सीधा रखेंगे और घुटना को ऊपर जमीन में इस तरह से सामने देखेंगे। इसको 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, इससे वेट लॉस होता है, कमर मजबूत होता है। अब इसके बाद है मयूरासन। मयूरासन कैसे करेंगे, मयूरासन के बाद दूसरा आसन करेंगे।